फ्रेंड्स, आज एक हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर करेंट सिनारियो में अगर आप देखें तो कोविड की जो सिचुएशन चल रही है और वैक्सीन बहुत सारी जो है डेवलपमेंटल स्टेज में है और कुछ वैक्सीन्स इम्यूनाइजेशन के लिए यूज़ हो रही हैं, तो एक उसका जो फाइटिंग टूल है, हमारा इम्यून सिस्टम है, वो एंटीबॉडी होता है। तो एक ये ही पूरे शरीर में डिफरेंट सिस्टम से अगर हम कंपेयर करें तो इम्यून सिस्टम ही एक ऐसा सिस्टम है जिसको हम यूज़ करके हम डिफरेंट जो इन्फेक्टियस बीमारी हैं, डिसीजेज हैं, उनसे फाइट कर सकते हैं। तो उसकी एक टेक्निकल जो आस्पेक्ट है, जिसे कहना चाहिए एप्लीकेशन का जो आस्पेक्ट है, उसको हम डिस्कस करेंगे हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी ओवर। जैसा कि हम जानते हैं और बीएससी ये जो लेक्चर है वो बीएससी और एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमको स्पेसिफिकली जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां इन्फेक्टियस डिसीजेज होती हैं उनसे हमको बचाता है। और ये इम्यून सिस्टम का बचाने का जो सिस्टम है, जो मैकेनिज्म है, ये टूल है, वो जो है एंटीबॉडी होती है। इसको मैं ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि मैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के बारे में ही बात करूँगा। सिंपली इतना मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो फाइटिंग टूल है वो एंटीबॉडी है और बॉडी में जो बी सेल्स होती हैं, जो लिम्फोइड ऑर्गन्स में बी सेल्स पाई जाती हैं, उनके द्वारा ये एंटीबॉडीज जिनसे कहना चाहिए जनरेट की जाती हैं और जो स्पेसिफिकली किसी भी एंटीजन से फाइट करती हैं। और ये स्पेसिफिकली फाइट करती हैं, ये नहीं कि हर एक एंटीजन के लिए अलग अलग एंटीबॉडीज होती हैं। इम्यून सिस्टम हैज कैपेसिटी, इसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजन्स हैं। एंटीजन्स मीन्स जो फॉरेन मॉलिक्यूल्स हैं, जो शरीर के बाहर के मॉलिक्यूल्स हैं, उनसे फाइट कर सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये एंटीबॉडीज पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज शरीर में होती हैं। यदि इनमें से पॉलीक्लोनल मीन्स डिफरेंट काइंड ऑफ एंटीबॉडीज, यदि हम ये एक इनिशियली ये सोचा गया कि यदि हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यानी वो क्लोन जो कि एक ही प्रकार की एंटीबॉडीज को उत्पन्न करे, तो वो स्पेसिफिकली टारगेटेड मैनर में किसी भी एंटीजन को फाइट कर सकता है, तो इसका आगे हम मेडिकल एप्लीकेशन भी डिस्कस करेंगे। तो ये एक टेक्निक डेवलप की गई जिसको हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी कहते हैं, जिससे हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बना सकते हैं। ये इनके इन्वेंटर हैं, दे आर पाइनियर्स, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी इन्वेंटर कोहलर एंड मिलिस्टीन, ये जो है इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। और ये टेक्निक इनके द्वारा डेवलप की गई 1975 में और 80s में इनको नोबेल प्राइज मिला था, जिसके द्वारा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को पैदा किया जा सकता है। नाउ इट इज़ रूटीनली यूज्ड और इसके बहुत सारे थेरेप्यूटिक्स यूज भी हैं। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज तब से लेकर इनके द्वारा जब इन्होंने इस टेक्निक को डेवलप किया और इसको इम्प्रूव किया, अब बहुत सारे इंटरनेशनली जो बायोलॉजिकल लेबोरेटरीज हैं, बायोटेक्नोलॉजी लेबोरेटरीज हैं, वो एंटीबॉडीज पैदा कर रही हैं। What is the hybridoma technology? Hybridoma technology is a well-established method to produce monoclonal antibodies specifically to antigen of interest. जो मैंने आपको इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी है, मैंने आपको बताई कि ये स्पेसिफिकली जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज पैदा करती हैं, एक इनका क्लोन जो होते हैं, जो सेल्स का जो क्लोन होता है, वो एक ही प्रकार की एंटीबॉडी पैदा करती है और उनकी स्पेसिफिसिटी बिल्कुल आइडेंटिकल होती है। हाइब्रिडोमा सेल लाइंस आर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन बिटवीन ए शॉर्ट लिव्ड एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग बी सेल्स एंड इमोर्टल वायरस। यदि इसको सरल भाषा में कहा है कि इसमें तो फ्यूजन, हाइब्रिड मीन्स होता है फ्यूजन, यानी दो चीज़ों का फ्यूजन करना, तो हाइब्रिडोमा सेल्स लाइन को हम क्या बोलेंगे कि इसमें हम जो फ्यूज होने वाली सेल्स हैं उसमें बी सेल्स होती हैं जो कि शॉर्ट लिव्ड होती हैं, और इमोर्टल माइलोमा सेल्स होती हैं, ये कैंसरस सेल्स होती हैं जो इनसे फ्यूज हो जाती हैं और ये मल्टीप्लीकेशन के लिए जिम्मेदार होती है। ईच हाइब्रिडोमा कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एंड फेवर्ड हाइब्रिडोमा सेल्स लाइन कैन बी क्रायो प्रिजर्व फॉर लॉन्ग लास्टिंग मोनोक्लोनल प्रोडक्शन। इसका मतलब ये है, इसको अगर हम सरल भाषा में अपने स्टूडेंट्स को बताएं, समझें,
कि जो भी अगर हम मोनोक्लोनल जिसे कहना चाहिए हाइब्रिडोमा से बनाते हैं, तो इसको अगर हम अपनी जो उसमें बहुत सारे क्लोन्स होते हैं, उन क्लोन्स में से अगर हमारे इंटरेस्ट का कोई क्लोन है तो हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और उसको आगे के लिए, फ्यूचर के लिए उसका क्रायो प्रिजर्वेशन कर लेते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन में क्रायो प्रिजर्वेशन किया जाता है और उसको फिर डीप फ्रीजर में रख लिया जाता है। यानी फ्यूचर में आप यू कैन यूज कि ये जैसे मान लीजिए आपने बहुत सारे क्लोन्स पैदा किए और वो उसमें डिफरेंट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्रोड्यूसिंग क्लोन्स हैं, और आपने सेलेक्ट करके बाद में उसकी स्क्रीनिंग करने के बाद आपके इंटरेस्ट का जो जो जैसे कहना चाहिए कि क्लोन है उसको लेने के लिए और फ्यूचर में उसको मल्टीप्लीकेशन करने के लिए हम उसको जैसे कहना चाहिए कि क्रायो प्रिजर्वेशन की टेक्निक के द्वारा फ्यूचर के लिए रख सकते हैं और प्रिजर्व कर सकते हैं। एज ए रिजल्ट रिसर्चर यूजली प्रीफर जनरेटिंग हाइब्रिडोमा ओवर अदर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, है ना। जनरली आप देखेंगे हाइब्रिडोमा जो है वो जनरली साइंटिस्ट के द्वारा प्रीफर किया जाता है और फर्दर वर्क मेडिकल पर्पस के लिए और दूसरे पर्पस के लिए। मेथड इन ऑर्डर टू मेंटेन कन्वीनियंट नेवर एंडिंग सप्लाई। अगर आप ये देखेंगे कि जो ये टेक्निक कोलर और मिल स्टीन ने डिस्कवर की, बाद में रिफाइन की, इट इज़ वेरी लेबोरियस प्रोसेस। ये कई 2-3 महीने चलने वाला प्रोसेस होता है। और इसमें इन्होंने क्या किया कि नॉर्मल बी सेल्स को लिया और ये जिसे कहना चाहिए कि नॉर्मल बी सेल्स फ्रॉम इम्यूनाइज्ड माइस विथ देयर माइलोमा सेल्स, और उन माइलोमा सेल्स से फ्यूज किया। देयर डिस्कवरी इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्रेक थ्रू इन द फील्ड ऑफ वाटर। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि ये डिस्कवरी जो थी जिसे कहना चाहिए मेडिकल साइंस के लिए और बेसिक साइंस के लिए, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के लिए और डिफरेंट जो फील्ड्स हैं बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड एप्लीकेशन के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट और ब्रेक थ्रू था, जिसके फलस्वरूप इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया। फॉर द पास्ट डिकेड हाइब्रिडोमा हैव फ्यूल्ड द डिस्कवरी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज फॉर मल्टीपल एप्लीकेशन। यानी अगर आप देखें पिछले 10-15-20 साल में कि जो हाइब्रिडोमा टेक्निक है वो रूटीनली यूज की जा रही है। बाई यूटिलाइजिंग हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी साइनोबायोलॉजिकल बहुत सारी कंपनीज भी इस फील्ड में आ गई हैं, जो कि जैसे कहना चाहिए ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती हैं और कॉमर्शियल उसका यूज जैसे कहना चाहिए कि सेल भी करती हैं। स्टेप्स इन्वॉल्व इन हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इज कम्पोज ऑफ सेवरल टेक्निकल प्रोसीजर इंक्लूडिंग। इसमें हम देखेंगे कि ये एक बड़ा लेंदी प्रोसेस है, वर्कहॉलिक प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है और इसमें बड़ा पेशेंस चाहिए। तो इसकी जो स्टेप्स हैं वो डिस्कस करेंगे। एंटीजन प्रिपरेशन, एंटीजन को तैयार करना जिसके लिए आपको एंटीबॉडी या क्लोन तैयार करना है आपके इंटरेस्ट में। एनिमल इम्यूनाइजेशन, एंटीजन प्रिपरेशन को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब यदि हमें जैसे कहना चाहिए कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनानी है तो वी शुड हैव एंटीजन। एंटीजन सबसे प्राइमरी कंडीशन है, तभी देन वी कैन थिंक ऑफ प्रिपेयरिंग द हाइब्रिडोमा। तो इसके बाद हम देखेंगे कि फिर हम माइस या रैट ले सकते हैं जिसमें एनिमल इम्यूनाइजेशन किया जाएगा उस एंटीजन के थ्रू। फिर सेल्स का फ्यूजन होगा, फिर यानी सेल्स में, सेल्स का मतलब बी सेल्स और माइलोमा सेल्स। फिर हाइब्रिडोमा स्क्रीनिंग होगी, यानी बहुत सारे क्लोन्स मिलेंगे आपको और उसमें से आप अपने इंटरेस्ट का क्लोन चूज करेंगे थ्रू बहुत सारी टेक्निक्स के द्वारा कि ये मेरे इंटरेस्ट का है, और फिर उसकी सब क्लोनिंग होगी, करेक्टराइजेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज। उसके बाद एंटीबॉडीज का जैसे कहना चाहिए करेक्टराइजेशन और प्रोडक्शन किया जाएगा लार्ज स्केल पर, अगर कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जनरेशन बाय हाइब्रिडोमा अप्रोच रिक्वायर नॉलेज ऑफ मल्टीपल डिसिप्लिन्स एंड प्रैक्टिस ऑफ वर्सेटाइल टेक्निकल स्किल्स रेंजिंग फ्रॉम एनिमल हैंडलिंग, इम्यूनोलॉजी टू सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर। इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें, इट्स नॉट ए हाईली, ये नहीं है कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है। यू शुड हैव नॉलेज ऑफ एनिमल, यू शुड हैव नॉलेज ऑफ एनिमल हैंडलिंग, एनिमल फिजियोलॉजी, यू शुड हैव नॉलेज ऑफ इम्यूनोलॉजी, यू शुड हैव नॉलेज ऑफ सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी। इन सब की आपको नॉलेज होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन गो इन दिस फील्ड। क्योंकि ये बहुत ही वर्सेटाइल फील्ड है, तो ऐसा नहीं है कि
एक ही आदमी ये सारा काम करता है, एक पूरी टीम टीम होती है जो कि अलग अलग काम करती है, और इसको फिर जैसे कहना चाहिए फाइनल रिजल्ट इससे जिसको कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो पाता है। जनरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई क्वालिटी हाइब्रिडोमा क्लोन्स इज ए कॉम्प्रिहेंसिव एंड लेबर इंटेंसिव प्रोसेस एंड रिक्वायर मंथ्स ऑफ वर्क ड्यूरिंग द टाइम फ्रेम इम्यूनाइजेशन टू स्पेसिफिक हाइब्रिडोमा। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी बताया, इट इज वेरी जैसे कहना चाहिए कि लेंथी एंड जैसे लेबोरियस प्रोसेस, और इसमें आपको पेशेंस की भी बहुत ज़रूरत होती है, और कंटिन्यूसली इसमें आपको काम करना पड़ता है 2-3 महीने। ये एक जैसे पिक्टोरियल है, डिपिक्शन है, और इसको बताया गया है कि किस तरह से मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के लिए हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी को यूज किया। इसमें आप देख रहे हैं, ये पिक्चर शो कर रहा है कि इसमें माइस है आप देख रहे हैं, और उसमें एंटीजन इम्यूनाइजेशन किया गया जो मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया, और उसकी जो है स्प्लीन सेल्स ली गई, और उसके बाद बी सेल्स ली गई, और जो स्प्लीन सेल्स से फिर माइलोमा सेल्स लिया और उसका फ्यूजन कराया, उसके बाद उसको कल्चर किया गया, और कल्चर करने के बाद अगर आप देखेंगे कि उसका सुपरनिटेंट लिया जाता है, जो सेल्स कल्चर होती हैं तो उसको सेंट्रीफ्यूज करने के बाद सुपर न्यूट्रेंट यानी जो ऊपर का फ्लूड होता है टेस्ट ट्यूब में, उसको लेकर एंटीबॉडी की टेस्टिंग की जाती है, और ये टेस्टिंग दोनों तरह से की जा सकती है, इन विट्रो भी की जा सकती है और इन विवो भी किया। इन विट्रो आप देखेंगे कि अगर उसमें आपकी स्पेसिफिक एंटीबॉडीज हैं तो आप डिफरेंट टेक्निक्स जैसे एलाइजा वगैरह से आप पता लगा सकते हैं कि आपका क्लोन जो जो डिजायर्ड क्लोन है वो पैदा हुआ कि नहीं। और इसमें जिसे कहना चाहिए कि वेरी जैसे बहुत सारे क्लोन्स को अलग अलग आपको एलाइजा करने पड़ेंगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि ये मेरे इंटरेस्ट का क्लोन है कि नहीं। और इन वीवो में आप क्या करेंगे कि उसी जो सेल्स हैं उनको उधर ट्रांसफर कर देंगे जो माइस हैं, तो वो इन वीवो आपको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज दे सकते हैं। सेल फ्यूजन, अब आता है कि ये दो सेल्स होती हैं बी सेल्स एंड हाइब्रिडोमा जो माइलोमा सेल्स, तो इनका फ्यूजन कैसे किया जाता है, यानी एक सेल तो आपको बी सेल है जिसमें जो एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग जीन्स हैं जिसको वो प्रोड्यूस करेगी, और दूसरी सेल्स जो है मल्टीप्लीकेशन करेगी, तो इसमें दो सेल्स हैं, और इसमें जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वो पॉलीइथाइलीन ग्लाइकोल, एंड इसके अलावा इलेक्ट्रोफ्यूजन भी कॉमनली यूज किया जाता है एंटीबॉडी ये जो हाइब्रिडोमा टेक्निक है उसके लिए। पॉलीइथाइलीन ग्लाइकॉल को जो है हम शॉर्ट फॉर्म में पैक भी कहते हैं, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो उनको फ्यूज करता है यानी बी सेल्स और माइलोमा सेल्स की, और इसके बाद जो उसके बाद एक सिंगल सेल बनती है दोनों की फ्यूजन से, और वो उसके दो न्यूक्लियाई होते हैं, दो या दो से ज़्यादा। This heterokaryon retain these nuclei until the nuclear membrane dissolve before it mitosis. ये heterokaryon जो सेल होती है यानी फ्यूजन से जो सेल बनी होती है, दो सेल्स ली हमने दोनों को फ्यूज किया, तो ये दोनों न्यूक्लियस को या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स को रिटर्न वो जो है न्यूक्लियाई को रिटेन करती है, अपने अपने बनाए रखती है जब तक कि उनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिजॉल्व नहीं होती है माइटोसिस से पहले। इलेक्ट्रो फ्यूजन जॉइंट्स द मेम्ब्रेन ऑफ नेबरिंग सेल्स बाई एप्लीकेशन ऑफ पल्स इलेक्ट्रिक। पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड एक टेक्नोलॉजी है जिससे भी आप जो है ये जो दोनों सेल्स हैं उनको फ्यूज करा सकते हैं, और इसका जो रिप्रोड्यूसिबल है यानी ये टेक्निक जो है जिसे कहना चाहिए कि इलेक्ट्रोफ्यूजन के द्वारा रिप्रोड्यूसिबल है, यदि आपने करके देखा लेबोरेटरी में हो रहा है, आप उस टेक्निक को अगर आप दूसरी जगह ट्रांसफर करेंगे तो उसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे आते हैं। इवन इन द मोस्ट एफिशिएंट हाइब्रिडोमा फ्यूजन ओनली 1% ऑफ स्टार्टिंग सेल्स आर फ्यूज्ड एंड ओनली 1 in 10 to the power 5 फॉर्म बाइबल हाइब्रिड। अब इसको समझ लीजिए कि आप कितना भी अच्छा आपका हाइब्रिडोमा हो, उसमें 1% टोटल सेल्स के 1% सेल्स ही जो फ्यूज होती है, और जिसे कहना चाहिए कि 1 in 10 to the power 5 जो सेल्स होती हैं यानी एक सेल 10 to the power 5 सेल्स में हाइब्रिड होती है। अब इसमें देखिए कितनी दिक्कत का काम, ये तो मैं आपको एक लेक्चर दे रहा हूँ, व्हेन यू डू इन लेबोरेटरी बेंच में आप करेंगे तो बहुत हरेसमेंट भी होता है, कितनी कम परसेंट सेल्स का फ्यूजन होता है, दिस लीव्स लार्ज नंबर ऑफ अनफ्यूज सेल्स स्टिल इन कंसर्न। इसके बाद
तो आप इसका मतलब दूसरे शब्दों में कि ज्यादातर जो नंबर सेल्स हमने फ्यूजन के लिए कल्चर डिश में आपने डाली है वो जो है जैसे कहना चाहिए कि अनफ्यूज्ड रह जाती है. सेल्स फॉर्म द इम्यूनाइज्ड एनिमल डू नॉट कंटिन्यू टू ग्रो इन टिश्यू कल्चर एंड सो डू नॉट कंफ्यूज फर्दर, है ना. हाउएवर द माइलोमा सेल्स आर वेल एडेप्टेड टू टिश्यू कल्चर. जैसे बी सेल्स होती हैं तो वो क्या होती हैं कि अगर वो फ्यूज नहीं हो रही हैं तो वो जो है टिश्यू कल्चर जो हमारा मीडियम है उसमें डिवाइड नहीं होती, तो उनसे हमें कंफ्यूज नहीं करना चाहिए. माइलोमा सेल्स जो है वो क्या करती हैं कि वो कल्चर मीडियम में, टिश्यू कल्चर मीडियम जो होता है उसके लिए वो अच्छे से उसमें डिवाइड होती हैं, तो फ्यूज सेल्स जो हैं डिवीजन करती हैं. कॉमनली द माइलोमा सेल्स हैव डिफेक्टिव HGPRT enzyme blocking the ability to use the salvage. These cells containing non-functional HGPRT protein die in nature. ये बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए टेक्निकल है, इस पर मैं ज़्यादा जोर नहीं दूंगा. Hybridoma antibodies can be produced in vitro and in vivo. ये मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में बताया था कि जब आपका hybridoma बन जाता है तो इन विट्रो का मतलब यह है कि बॉडी से बाहर का सिस्टम, लेबोरेटरी में आप उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं. और दूसरा ऑप्शन ये भी है कि इन वीवो यानी नेचुरल सिस्टम में, जैसे मान लीजिए हमने माइस लिया तो नेचुरल सिस्टम में भी हम इन वीवो उसको यानी उसके बॉडी को सिस्टम पे यूज करते हुए प्रोड्यूस कर सकते हैं हाइब्रिडोमा एंटीबॉडीज. फॉर प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इन विट्रो हाइब्रिडोमा आर एक्सपांडेड फर्दर टू 24 वेल टिश्यू कल्चर प्लेट्स फॉलोड बाई 25 सेम स्क्वायर फ्लास्क एंड 75 सेम स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर फ्लास्क कंटेनिंग सूटेबल मीडियम. इसमें जैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इन विट्रो का बात किया गया तो ये जो हाइब्रिडोमा है वो एक टिश्यू कल्चर डिश आती है उसमें हम उनको ट्रांसफर कर देते हैं और उनको फर्दर ग्रो कराते हैं. सेल डेंसिटी मेंटेन बिटवीन 10^5 एंड 10^6 सेल पर ml. ये टेक्निकल एस्पेक्ट है, इसके ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि जब हम अगर लेबोरेटरी में करते हैं तो वी शुड नो क्लियरली. फॉर प्रोड्यूसिंग, हाँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर प्रोड्यूसिंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इन विवो माइस आर प्राइम्ड बाय इंट्राटेरिटोरियल इंजेक्शन विद 10^5 टू 10^7 हाइब्रिडोमा सेल्स. इसमें सिंपल सा जो हाइब्रिडोमा सेल्स बनी है वो माइस जो है माइस को वो सेल्स ट्रांसफर कर दी जाती है इंट्रापेरिटोनियल, ठीक है. तो अब वो वहाँ पहुँच गई तो उसके बाद दे आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग जो हाइब्रिड सेल बनी है और उसमें वो जीन है और जो आपका मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कैपेसिटी है प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी उसको वो प्रोड्यूस करेगी. यूज इधर हम मीडियम यूज कर रहे थे, ठीक है. इन विट्रो में हम मीडियम लेबोरेटरी में यूज कर रहे थे, इसमें हम पूरी बॉडी यूज कर रहे हैं और एक नेचुरल सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं तो इसको हम इन वीवो सिस्टम बोलेंगे और दिस कैन बी मोर एफिशिएंट. एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जैसे कहना चाहिए कि आगे अगर ह्यूमन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत अच्छा जैसे कहना चाहिए कि एस्पेक्ट है. द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रिजल्टिंग साइज ट्यूमर इन जनरल वेरी वेरिएबल एंड कैन बी फ्रॉम लेस देन 2 or more than 5. यानी जैसे जब हमने वो सेल्स को ट्रांसफर कर दिया तो इसे कहना चाहिए कि 2 to 5 weeks में उनका मल्टीप्लीकेशन शुरू हो जाता है. एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, देखिए ऐसा है कि इसका मेडिकल एस्पेक्ट तो है ही, जिसे कहना चाहिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एक तरह से जिसे कहना चाहिए कि मिसाइल की तरह टारगेटेड मैनर में काम करती है. अब कोई भी पर्सन यदि किसी इन्फेक्टिस बीमारी से या विशेष प्रोटीन जो है उसमें प्रोड्यूस हो रहा है, कैंसर है या वो और दूसरे जैसे अभी ये कोविड चल रहा है, तो यदि हम एक वैक्सीन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को अगर हम यूज़ करें तो टारगेटेड मैनर में बिल्कुल स्पेसिफिकली वो उस जैसे कहना चाहिए एंटीजन को टारगेट करते हुए उसका इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकता है. और इसके ये इसमें इम्यूनो मॉड्यूलेटर है, इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट कर देगा, उसमें भी इसका एप्लीकेशन है. और बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जैसे वेटनरी साइंस है, मेडिकल साइंस है, इनमें जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं उनका जो है बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है और आगे आने वाले समय में ये एरिया बहुत ही हॉट एरिया है.
लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि दिस इज हालांकि ये ऑलरेडी बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया था, लेकिन अभी जो कोविड की सिचुएशन चल रही है तो जिसे कहना चाहिए कि उसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का बहुत एप्लीकेशन है और ये एक लेंथी प्रोसेस है, और लेकिन ये इम्यून सिस्टम की बी सेल्स को यूज़ करते हुए एक क्लोन से आप स्पेसिफिकली जिसे कहना चाहिए कि एंटीबॉडीज़ को मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को तैयार कर सकते हैं और स्पेसिफिकली टारगेटेड मैनर में उनको यूज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।